बेनजीर भुट्टो वाज द चेयरमैन ऑफ विच पोलिटिकल पार्टी? पीपीपी पीपल पार्टी की चेयरमैन रह चुकी हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को 1956 में लागू हुआ और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA? फर्स्ट हम देखते हैं कि CMLA किसे कहते हैं। CMLA स्टैंड फॉर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अब सवाल ये है कि किसने जो है 1962 का आइन तोड़ा और यानी कि मार्शल लॉ लगा दिया, चीफ सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए जनरल यहया खान इज राइट ऑप्शन। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? 1956 के आइन में कितने आर्टिकल थे? 234 आर्टिकल थे। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मिन, या जिसको यास्मिन भी कहा जाता है, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर और नेशनल बर्ड जो है चकोर है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन स्टेट ऑफ कश्मीर? इंडिपेंडेंस के वक्त जो है कश्मीर में मेजोरिटी लोग कौन थे? मुस्लिम्स थे। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? खैबर पास। इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अयूब खान। 1962 का आइन किसके रजीम में पास हुआ? अयूब खान के रजीम में। सदकियान इज़ फेमस फॉर पेंटिंग कैलीग्राफी? बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। हु वाज़ द हीरो ऑफ पाकिस्तान इंडिया 1965 फॉर 1965 की जंग का जो हीरो किसे कहा जाता है? मेजर राजा अजीज भट्टी को। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान इज़ PK। हु वाज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर शमशाद अख्तर इज़ राइट ऑप्शन। फ्रैंक मिजरवी वाज़ द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। द रेंज ऑफ हथ वन जो मिसाइल है पाकिस्तान का, उसकी रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर। द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड इन खारिया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मर्टायर्ड एट कारगिल? 5 जुलाई 1999 को कारगिल के मकाम पे कैप्टन कर्नल शेर खान जो है वो शहीद हुए। द कैपिटल ऑफ KPK का कैपिटल पेशावर है। पंजाब का कैपिटल लाहौर है और सिंध का कैपिटल कराची है। एंड लास्ट में बलोचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है। जमरूद फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर पेशावर। द लोकल लैंग्वेज ऑफ KPK आर पश्तो, हिंदको या चित्राली? ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सिंधी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन अरेबिक। द M9 मोटरवे कनेक्ट टू सिटीज ऑफ हैदराबाद, द सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड कराची इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मोनजो दड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF रिटर्न टेस्ट प्रिपरेशन फॉर 2023 की तैयारी कर रहे हैं और हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट के 20 MCQs डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उस वीडियोज़ को देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ASF टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करते हैं। इन सूरा डैश एवरी वर्स एंड विद लेटर दाल, कौन सूरा है जिसकी हर आयत दाल पर ख़त्म होती है? सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद। तो इस तरह से देखें तो हर जो आयत है वो दाल पर ख़त्म हो रही है। इखलास इज़ राइट ऑप्शन। द थर्ड डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट वाज हज़रत उम्मे कुलसूम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। इसके अलावा और ये सवाल आता है कि हज़रत मारिया किबतिया में से कौन से बेटे थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और जो है 4 बेटियां हज़रत खदीजा में से थी। विच इज़ 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? जमादी उसानी। ये आपको 12 जो है वो याद होने चाहिए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबी उसानी, जमादी अव्वल, जमादी उसानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलहज और ज़िलकाद। इस तरह 12 जो है ये आपने याद रखने हैं तरतीब के साथ, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। इन हाउ मैनी ईयर मक्की सूरा वार रिवील्ड? मक्की सूरतें जो है वो 13 साल के अरसे में नाजिल हुई। मक्की सूरतों की तादाद और मदनी सूरतों की तादाद हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं और आपने ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। फास्टिंग डिमांड्स टोटल अबस्टेंस फ्रॉम स्मोकिंग, सेक्स, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग? ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। यानी कि फास्टिंग जो रोज़ा है किन चीज़ों से टूट जाता है, तो इनमें तीनों ही दुरुस्त हैं। द सेकेंड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड अशरा मगफिरत। माह रमज़ान के 3 अशरे हैं, पहले अशरे को अशरा रहमत, दूसरों को अशरा मगफिरत कहते हैं, जबकि थर्ड क्या है? अशरा निजात, निजातुन्नार जहन्नम, यानी कि जहन्नम से निजात। हु वाज द थर्ड खलीफा? हज़रत उस्मान। पहले नंबर पे हज़रत अबू बकर, सेकंड पे हज़रत उमर, थर्ड पे हज़रत उस्मान और फोर्थ पे हज़रत अली। और टोटल जो पीरियड है खिलाफत का वो 30 साल है, ये भी सवाल आता है। फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नाउन एज़ डे ऑफ मर्सी, यानी कि अशरा रहमत। ये सवाल, अब सवाल इसी तरह से होंगे, सवाल सेम ही होंगे लेकिन उनके जो है वो वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, तो आपने सवाल को समझना है और फिर उसका आंसर ठीक करना है।
हाउ मैनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद ब्रोकन लेटर हरूफ मुकत्तियात? हरूफ मुकत्तियात की तादाद कितनी है? 29। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस्लामियात का ESF टेस्ट के लिए। हु इज़ द गेट कीपर ऑफ हेल? मालिक जो है वो जहन्नम के का जो फरिश्ता है उसको उसका नाम क्या है? मालिक। हज़रत खदीजा वाज 15 ईयर ओल्डर दैन हज़रत मोहम्मद सल्लम। हज़रत खदीजा जो है आपसे सल्लम से 15 साल बड़ी थी। हज़रत खदीजा वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम। हज़रत खदीजा जो है आपसे सल्लम की पहली जो है वो जोजन थी और इनकी उम्र मुबारक 40 बरस थी। आपसे सल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी जब शादी हुई। और इनकी जो है इनको अमीरातुल कुरैश या प्रिंसेस ऑफ कुरैश भी कहा जाता है। ये इनका टाइटल है। बनु असद इनके कबीले का नाम था। खुवैलद बिन असद हज़रत खदीजा के वालिद का नाम था। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम? हज़रत अयूब जो कि अपने सबर की वजह से मशहूर थे, इनकी कब्र मुबारक अमान में है। जॉर्डन का कैपिटल है अमान, वहाँ पर इनकी कब्र मुबारक है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत याह याह अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है? जी सीरिया। अ मुस्लिम फीमेल इज़ फाइंड रैप्ड इन ड्रेस शीट 5, यानी कि जब एक मुसलमान औरत फौत होती है तो उसको कितनी शीट्स में लपेटा जाता है? 5 इज़ राइट ऑप्शन। द फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज तौरात। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट विद होली प्रॉफिट सल्लम ऑन द थर्ड हेवन। याकूब जो है आप सल्लम से कितने आसमान पे मिले? थर्ड आसमान पे मिले। तहलील लिटरली मीन, तहलील किसे कहते हैं? कलिमा की कलमा पढ़ने को जो है तहलील कहते हैं। हु वाज एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद? आप सल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। व्हाट इज़ नेम ऑफ 24th पारा ऑफ होली कुरान? फमन अज़लमा इज़ राइट ऑप्शन। अपस्टोसी मूवमेंट टुक प्लेस इन खिलाफत ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अनहु व्हेन डिड हज़रत हमज़ा एम्बेरस इस्लाम? 5th नबी। हज़रत हमज़ा ने 5th नबी को इस्लाम कबूल किया। इस वीडियो में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल एंड ASI इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पर ASF पास्ट पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। और ये ASI मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और कॉर्पोरल के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। वीडियो के इस पार्ट में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू हाई लो अचीवर्स इज, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस मेथड से हम जो है ना हाई और लो लेवल स्टूडेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं, एग्जाम लेके हम कर सकते हैं। द रियल नेम ऑफ के अजीज़ आ हिस्टोरियन वाज, अब इस सवाल में दो सवाल बनते हैं। बाज़ दफ़ा सवाल पूछता है कि के अजीज़ का असल नाम क्या था? असल नाम है खुर्शीद कमाल अजीज़। और बाज़ दफ़ा ये पूछता है कि के अजीज़ कौन था? ही वाज हिस्टोरियन। द सेफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2004। द सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। द स्टिक विच इज़ यूज टू हिट द बॉल ऑफ गोल्फ इज कॉल्ड क्लब, गोल्फ गेम में जो स्टिक होती है जो कि बॉल को हिट करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्लब कहते हैं। द टर्म PVC यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज स्टैंड फॉर, आपको पता है कि हम बाज़ दफ़ा सुनते भी हैं कि PVC पाइप्स, तो PVC का मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिटन बाय, ए बुक का नाम है द वे ऑफ वर्ल्ड, किसने लिखी है? विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखी है। द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 17 जुलाई, इज़ राइट ऑप्शन। द वर्ल्ड लीडर इन जियो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज़ USA। द वर्ल्ड लेप्रोसी डे, लेप्रोसी को उर्दू में कोढ़ कहते हैं, कोढ़ की बीमारी, लेप्रोसी डे 2019 विल ऑब्जर्व ऑन 27 जनवरी को लेप्रोसी डे मनाया जाता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज बिल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ड्रेनेज सिस्टम ये होता है कि जिसके ज़रिए नहरों से पानी लेके जाया जाता है या ज़मीनें तरखीज़ की जाती हैं उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। और फर्स्ट जो है किन लोगों ने ये बनाया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ राइट ऑप्शन। द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय रशिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड इज़ कॉमन ऑस्ट्रिच, और कीवी को जो है ना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड कहा जाता है। देर आर नियरली 7.6 बिलियन ह्यूमन ऑन प्लानट अर्थ, ज़मीन पर तकरीबन कितने लोग हैं? जी 7.6 बिलियन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इक्वेटर डज नॉट पास, इक्वेटर मैप पे एक ऐसी लाइन होती है, मतलब डिफरेंट लाइन्स हैं और मैप से जो गुजर रही हैं, जो दरमियान से गुजरती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो वो कहता है कि थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इक्वेटर डज नॉट पास, इनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें से इक्वेटर की लाइन उस मैप में से नहीं गुजर रही? तो कॉन्गो में से भी गुजरती है, कीनिया में से भी गुजरती है, युगांडा में भी गुजरती है, लेकिन तंजानिया में से नहीं गुजरती। तो यही राइट ऑप्शन होगा। ट्रीटी ऑफ लोसैन वाज साइन इन
1923 और टिटी अबुल हुसैन आपको पता है 1923 से 2023 तक था, जिसके तहत ये था कि तुर्की जो है वो 100 साल तक खिलाफत कायम नहीं कर सकता, तो इसको टिटी अबुल हुसैन कहा जाता है और ये 2023 तक थी 100 साल के लिए। एएसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएफ कॉर्पोरल एंड एएसआई वीडियो सीरीज़ में, वीडियो के इस पार्ट में हम एवरीडे साइंस के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स। बिग बैंग थ्योरी आपको पता है, ये कहा जाता है कि ज़मीन जो है वो पहले गैसों का मजमुआ थी, फिर उसमें एक जो है ना वो धमाका हुआ और इसमें पहाड़, समंदर और ये सारी चीज़ें बन गई थी, तो इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ये क्या था जी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स कायनात की ओरिजिनिटी इसको तस्वर किया जाता है। ब्रोमाइन इज़ ब्रोमाइन क्या है जी, रेड ब्राउन लिक्विड है। हाउ डज स्मोकिंग सिगरेट इंपैक्ट द रेड ब्लड सेल्स, सिगरेट नोशी रेड ब्लड सेल्स पे जो है वो किस तरह असर करती है, डिक्रीज देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, उनकी ये एबिलिटी कम कर देती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें, जिससे जो है वो डिफरेंट बीमारियां इंसान में पैदा होती हैं। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई मेनली ड्यू टू, आसमान का रंग नीला क्यों है, ये सवाल जो है आपके माइंड में आता होगा, जाहिर सी बात है, जब मुझे पता नहीं था मेरे जहन में भी ये सवाल आता था कि यार ये ब्लू जो है वो कलर क्यों होता है स्काई का। इसका आंसर क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो फैली हुई है बाय एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से, इस वजह से वो जो इल्यूजन पैदा कर रही है वो ब्लू कलर की है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ एयर टेम्परेचर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज द एपिडर्मिस, इंसान की या स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या जिस पे हीट और टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। द फेस ऑफ द मून आर पार्शली द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस, एरिस्टोथ्रेंस, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा। सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो इज ग्रीन, सेंट्रल कलर जो है वो रेनबो का कौन सा होता है, ग्रीन। हु डिस्कवर्ड द गामा रेस, पाउल विलर्ड। द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, और वर्टिकल जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स कहते हैं। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर वन लॉन्गिट्यूड, 4 मिनट्स। कुछ सवाल जो है वो इजी होते हैं, इसलिए मैं उनको जो है समझाता नहीं हूँ, सिर्फ उनकी जो है उसको स्टडी करता हूँ जो आप इजीली पिक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लाजमी टाइप किया करें, मैं आपको उसको समझा भी दूंगा और उर्दू में उसका आंसर भी कर दूंगा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ता हूं ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो कवर हो सकें। वीडियो के इस पार्ट में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में हमने इंपॉर्टेंट सरोनाइम और एंटोनाइम जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। सरोनाइम ऑफ फ्लिगमेटिक, फ्लिगमेटिक का मतलब क्या होता है, स्टोलिड। सरोनाइम ऑफ डिमाइस इज डेथ, डिमाइस का मतलब क्या होता है, डेथ, मौत। सरोनाइम ऑफ इंट्रैक्टेबल इज हार्ड टू मैनेज, यानी कि जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसे काम को संभालना मुश्किल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रैक्टेबल। सरोनाइम ऑफ सेलिब्रेट इज सिंगल, सिंगल को हम सेलिब्रेट भी कहते हैं। सरोनाइम ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, फेवरेटिज्म, किसी को फेवरेट करार देना किसी को, इसको हम क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, किसी फेवर करना भी कह सकते हैं। सरोनाइम ऑफ इनोकुलेट, इनोकुलेट इज टीच, किसी को कोई चीज़ पढ़ाना, इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनोकुलेट कहते हैं। सरोनाइम ऑफ सेम्पुटस इज स्प्लेंडेड, शानदार को सेम्पुटस भी कहते हैं। सरोनाइम ऑफ आउट क्लास, आउट क्लास को हम सरपास भी कहते हैं। वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ अबसेंस इन डर्टी एंड इंडिसेंट, बोथ एंड बी इज राइट ऑप्शन, और ये पीएमएस 2018 के पेपर में सवाल आया था। सरोनाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिसगस्टिंग, स्क्विलिड, यानी कि ख़राब, गंदा, ऑल ऑफ दीज जो है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसको हम ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे। सरोनाइम ऑफ अकोस्ट, अकोस्ट का मतलब क्या होता है, स्कोलिस्ट एंड कन्फ्रंट, बोथ एंड बी इज राइट ऑप्शन। सरोनाइम ऑफ फ्लैंक, फ्लैंक किसे कहते हैं जी, साइड ऑफ अ पर्सन, राइट और लेफ्ट, इंसान जिस साइड जिस जगह पर ठहरा है उसके लेफ्ट और या राइट साइड को हम क्या कहेंगे, फ्लैंक कहेंगे। सरोनाइम ऑफ डर्थ, डर्थ किसे कहते हैं, लैक, कमी, किसी चीज़ की कमी होना, उसको हम क्या कहते हैं, डर्थ या लैक, अफलास, ये उर्दू में उसको कहते हैं। सरोनाइम ऑफ योब, योब का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, अग्रेसिव होना किसी मामले में, जल्दबाज होना, इसको हम क्या कहते हैं, योब। सरोनाइम ऑफ गोच, गोच का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड, यानी कि बहुत थोड़ा अजीब व गरीब जो लम्हा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑकवर्ड मूवमेंट या गोच भी कहते हैं। सरोनाइम ऑफ द वर्ड इंडेप्टेबल, अनडिनाइबल, यानी कि जिसको डिनाई ना किया जा सके, जिससे इनकार ना किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अनडिनाइबल या अनडिब्यूटेबल। सरोनाइम ऑफ योकल, योकल का मतलब होता है पंपकिन। सरोनाइम ऑफ ऑब्सोलिसेंट इज फर्स्टिनेस। सरोनाइम ऑफ अलर्ट, अलर्ट होना मतलब कि एक्टिव होना या वॉचफुल होना, ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, आपने भी पेपर दिए होंगे, डिफरेंट रिटन टेस्ट मैंने भी दिए हैं, तो मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है। अलर्ट का मतलब क्या होता है जी, वॉचफुल,
बाकी देखें अगर वो सारे भी इनके सेम ही लगते हैं, लेकिन करेक्ट जो है वो वाचफुल है, ये आपने याद रखना है। सरोनाइम ऑफ प्रीकोरियस इस प्रीलस। तो आज की इस वीडियो में हमने ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ कारपोरल एंड ASI इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए, जिसमें हमने ASF के MCQs, ASF कॉर्पोरल के MCQs और ASF ASI के MCQs डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पर पास्ट पेपर भी अपलोड कर चुके हैं, आप पास्ट पेपर से भी आइडिया ले सकते हैं और उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।